शारदा, हमरे पति की लड़ाई में ओकर साथ दिया। ए शारदा, तो आप नहीं मानब? बात मनले नहीं मनले की नहीं खे शारदा, हम अपन हक की खातिर लड़ता नहीं। अरे इससे कुछ हो ही जाए नहीं, उल्टे आप खान भाई की नजर में चढ़ जाएं। खान भाई, खान भाई, खान भाई, तू चाहता हूँ कि हम लड़ने से पहले ही हार जाएं? अरे वो बहुत शक्तिशाली हूँ है, और आप? शारदा, यह से तो हम उसे लड़े खातिर जनशक्ति का सहारा लेता नहीं, और जनता की शक्ति के आगे तो बड़ा बड़ा हुकूमत के गिरने देर नहीं लगेगा। खान कौन चीज है? लेकिन तू देख लिया शारदा, खान जो ने जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कैले बा, उके हम सब मिलके उसे छीन लियल जाई। आज हमके बहुत खुशी बा कि आज आप सब हमरे पर भरोसा करके यहाँ आइल हैं। आज तक हम सब अलग अलग रहनी, लेकिन आज से अगर हम सब ऐसे कंधे से कंधा मिला के चल जाए तो एक मजबूत दीवार बन जाए, और जेके तोड़ल खान भाई के बस में भी नहीं रही। एको बात बताओ, तुम्हारी दीवार राती खनी का हमनी के घर के रक्षा कर सकेला, पहरा दे सकेला का? किशोरी, हमेशा भय और नकारात्मक विचार मत रखल करा। आदमी के अपन सोच सकारात्मक रखे चाहिए। सच बताई तो हमनी के सबसे बड़ा दुश्मन तो डर है, जब कहीं बाहर ना ही हमनी के दिल में रहेला, और हम सभी के बड़े इज्जत से अपने दिल में रखेनी। फिर धीरे धीरे ये पहले दिल और बाद में मन पे अधिकार जमा लेला, परिणाम ये हमके कमजोर करत जाला और हमार कमजोरी ही सामने वाले के ताकतवर बनावेला। इसे सबसे पहले वो दुश्मन के मारा जन तुहारे अंदर बैठल बा। हाँ हाँ, हम तुहरे सामने बोला, कहाँ चले के बा? SP ऑफिस। आइए आइए, बैठिए, पानी पीजिए। हम यहाँ बैठे नहीं के आए? अरे थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लीजिए, बैठिए बैठिए, पानी पीजिए। अच्छा बोलिए, क्या बात है? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बात है? SP साहब, दिलीपुर के उत्तर तरफ लगभग 25-30 लोगों की जमीन बाटे। हाँ? और जब पर बासर खान जबरदस्ती कब्जा कर ले, हमने की वो जमीन वापस चाहता नहीं, और ई मामला में हमने की आपके सहयोग चाहिए। अच्छा, वो जमीन जिसमें खान भाई डिस्टिलरी बनाना चाहते हैं? हाँ हाँ, वो है वो है। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से तो वो जमीन खान भाई की है। हाँ, अगर कोई डिस्प्यूट है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। इस मामले में हम क्या कर सकते हैं? कर नहीं सकेली या कहल नहीं चाहेली? क्या मतलब? मतलब ही कि पुलिस या तो उसे डरा ले या उकरे डरले हड्डी के सामने कुत्ते की तरह दुम ला ले। मिस्टर शर्मा, तमीज से बात कीजिए वरना। बहुत इज्जत दे लेनी तो SP, और धमकी का देता ना, का कह ले बा? गिरफ्तार कह ले बा? अरे फांसी पे तो नहीं चढ़ा दे बा? अरे हम तो यहाँ ही सोच के आए लेनी कि शायद तनी को शर्म बचा लिखे। तुम लोग क्या समझते हो, चिल्ला के तुम सहानुभूति ले लोगे? हमने की यहाँ सहानुभूति नहीं, अपन हक ले आए लेनी। जाओ मरो तुम, जाओ यहाँ से। तुमको शायद खान भाई की ताकत का अंदाजा नहीं है। बादशाह खान, हाय हाय। 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 बादशाह खान, बादशाह खान। Come on!
कितना जने रहे लोग? ये कोई 40-50 जने हुए खान भाई। सबके खत्म कर दा। राधा स्वामी खान भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? भूचाल आ जाएगा, मामला विधानसभा में उठ जाएगा। हाँ खान भाई, वैसे भी हम पुलिस वालों पर भरोसा कौन करता है? अरे हमको तो नक्सलाइट एरिया में फेंकवा दिया जाएगा। तो तोहार लोगन के अपनी अपनी कुर्सी की चिंता बा, हाँ हमारी इज्जत की कौनो फिक्र नहीं बा? ये बात नहीं है खान भाई। तो कौन बात बा, का करी हम? एक बात ध्यान रखिए विधायक जी, हमको हमारी इज्जत तोहार कुर्सी से ज्यादा प्यारे बा। हम एगो बात कही खान भाई, तू तो चुप रहा किशोरी, वहां तोहरे रहते उस सरू का इतना हिम्मत हो गई कि तोहरे सामने हम कहे के चाहत रहनी है कि ए बाक जल्दी बाक, कि कोनो पेड़ के अगर गिरावे के होखे तो ओकर पत्ता और डार काटे से बढ़िया बा कि ओके जड़ से काट देहल जाए। साफ साफ बोला किशोरी, पहली मत बुझावा। वो हम कहा कहते रहनी है खान भाई कि इस संसे फसाद का जड़ जन हुए नु उ बाटे जगदीश शर्मा, अगर खाली ओके। बस बस समझ गई, दिलावर। वो हम का कहते रहनी है कि तू लोग हिम्मत समझियो कि हम तोहन लोगन के डरवावे आए नहीं। सच्चाई तो ई है कि खान भाई से हमन का कब्बो जीत ना सकीला। अब फिर एगो बात बतावो कि अगर खान भाई उस जमीनवा पे शराब के फैक्ट्री डली है तो का ओकरे में उनकर भाई लोग काम करी? नहीं। सही बात। पागल सराउ। सुनाए भाई लोग, हम जीत गए बानी। हमार फर्ज रहे तो हर हमने के स्टे ऑर्डर मिल गए बा। अब जीत गए बानी बाबू, हमार हाथ में आए स्टे ऑर्डर, जीत गए बानी। रोए वाला बा, समझला? आज हम बहुत खुश बानी, मिल गए बानी। ए चौबे, ए घनश्याम, रुका हो, ए कहाँ जाते भैया? अरे ए किशोरी, कहाँ जाते रहो? उका कतरे नहीं हाँ, हम तनी जल्दी में बानी। अरे ए किशोरी, अरे हम तो लोग की खातिर स्टे ऑर्डर लेके बानी। अभी हम तनी जल्दी में नहीं, बाद में दिखा। अरे सरपंच जी कहाँ जा तो, तू हमारे साथ छोड़ दे सरपंच जी। अरे सरपंच जी का करे तू? अरे सरपंच जी रुका, हम तोरे खातिर स्टे ऑर्डर लेके बानी। जी हमका माफ कर दे, हम ई लड़ाई में तोरा साथ नहीं दे सकेला। सुनी का भइल? देखा शारदा, ये लोग तो हमके ऐसे छोड़ के चल गए ले, जैसे कि वो चीनत नहीं के हमके। हमके आप पर पूरा भरोसा बा, लेकिन अपनी किस्मत पर नहीं खे। हम तो कहते नहीं कि जमीन के आप भुला जाएं, जिंदगी रही तो बहुत जमीन मिली। कल अगर तो के उठा के ले जाई तो का हम ई सोच के संतोष कह ले के जिंदगी रही तो दूसर महरा मिल जायी? ना शारदा ना, ये जमीन हमार माँ हुआ है, गुलामी की जिंदगी से तो माँ बहुत अच्छा होला। हो सकेला हम ना रही, लेकिन आज हम या हमारे जैसे कोनो जगदीश शर्मा ये लड़ाई की शुरुआत ना ही करिए तो ये लोग तो इतना सूतल बाटे कि इन लोग के पता ही नहीं चल पाए कि कब ये लोग गुलाम हो गए ले। हम कहे नहीं मान जाएं, अभी भी मान जाएं, गांव वाले तो हमने के साथ छोड़ दे लें। अरे हमने संसार तो आपे से शुरू होके आपे पे खत्म होला, कहीं आपके कुछ हो गए तब? अगर हमके कुछ हो गए तो हम चाहे कि हमार बहुत मंगल पांडे की तरह बगावत के बिगुल बजा दे, जैसे आज नहीं तो कल के गांधी और सुभाष बन के आई और ये लोग बादशाह खान से आजाद कराए। है वो नेता जगदीश शर्मा। कारे शर्मा, तो के अपने जान के
जरा भी चिंता नहीं की का केकरे बल पे इतना ऑर्डर ले? अपन आत्मा के बल पर पगला गेल बाटे, देख रे छोटे ये तो पगला गेल बा। पगला नहीं खे गेल बानी, जाग गेल बानी। तो सुता देव हम अपना इलाका में जागल लोग बिल्कुल पसंद नहीं करेली। तू ज्यादा से ज्यादा एक जगदीश शर्मा मार सकेला, लेकिन याद रखिए बादशाह खान, हमारी कुर्बानी बेकार नहीं जाई। अगर एक जगदीश शर्मा मरी है तो खून से 10 जगदीश शर्मा पैदा हुई है। ये तो क्रांति की भाषा बोलत है रे दिलावर। हाँ खान हाँ, अभी क्रांति के केव नहीं रोक सकेला, लोग जगी हैं। और हम हर जागल आंख हमेशा हमेशा खातिर बंद कर दिली, जैसे आज। बहुत आरंभ की शुरुआत हुई बादशाह खान, तू जौन करता रहा अच्छा नहीं क्या करता ना? तुहार बाप तुहार काल संबंध के तुहार सामने खड़ा हुई मरबा खान। माथे चंद्र घर में सोहे सपवा
बापवा के हरवा पुकार ना से भकवा हो जागा महादेवा क्रोध लोभ मोह तन से मिटावा क्रोध लोभ मोह तन से मिटावा भक्तन के जिंदगी में तू सुखवा सजावा भक्तन के जिंदगी में तू सुखवा सजावा महिमा तो हर मन राला जाने सारा जगवा हो महिमा तो हर मन राला जाने सारा जगवा भोला जाने सारा जगवा पुकार ला से भगवा हो जागा महादेवा तुही अमरनाथ तुही बैजनाथ तुही तारकनाथ तुही विश्वनाथ तुही अमरनाथ तुही बैजनाथ तुही तारकनाथ तुही विश्वनाथ तुही महाकाल तुही पशुपति तुही गरीबनाथ तुही जगतनाथ तुही महाकाल तुही पशुपति तुही गरीबनाथ तुही जगतनाथ तू अनाथों के नाथ सदा रहे साथ भगतन के सिर पे सदा रहे हाथ रवि भैया मामी की गोली मार देने बासा के आदमी और मामा के घसीट के दे गए जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं शिवानी शर्मा सहारा समय की टीम के साथ इस समय दिलीपपुर गांव में हूँ। यहाँ राज्य का कानून नहीं बल्कि जंगल का कानून चलता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि तो चुनाव के समय गांव में आते हैं मगर बाकी समय अपनी कुर्सी बचाने में या फिर अपने आप को मजबूत करने में लगे रहते हैं या बाहुबलियों की जी हुजूरी में लगे रहते हैं। लिहाजा यहाँ असली हुकूमत इन बाहुबलियों की ही चलती है। आप ये जो सामने पड़ी हुई लाश देख रहे हैं वो भी यहाँ के एक बाहुबली के कारनामे का नतीजा है। ये देखिए जरा दिखाइए। भाई साहब क्या जानते हैं आप इस हत्याकांड के बारे में? कौन थे वो लोग? हमका कुछ नहीं मालूम। चाचा आप क्या जानते हैं? चाचा मरने वाली आपकी बेटी जैसी थी। हमका कुछ नहीं था मालूम। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी कृष्णा। कृष्णा जी आप बताइए बताइए ना ये सब किसने किया? मुझे मालूम है आप बताएंगे डरिएगा मत। कृष्णा जी बताइए किसने किया? भाई साहब आप बताइए किसने किया? हम चैनल से आए हैं डरने की कोई बात नहीं।
बोलिए बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ शूट शूट हाँ हाँ क्या देखा आपने? हाँ हाँ क्या देखा आपने? बोलिए ना क्या देखा है? बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं आप? ऊ का बताई, ऊ ते गुंगा है गुंगा, हम बताए तानी का पूछे के बा। सोन छोकरे, जितना जल्दी हो सके अपन डेरा डंटा उठा के फूट ले, ना तो डंडा सर पर ठोक दे। ए पिटीर पिटीर अंग्रेजी, तोरा के शायद मालूम नहीं खे, ई खान भाई के एरिया है, और ये एरिया में एको पत्ता भी खड़केला वो पूछ के खड़केला। तोर हिम्मत कैसे भइल ई गांव में बिना खान भाई के जाजत के आवे के? देखिए देखिए, तोरा के देख ही खाती तो आयल बानी रही जा। ए दड़िया का देखत रस रे, चल चल तनी अपन कैमरा चालू कर और ढकनवा ढकनवा नीचे कर। साली के कपड़ा उतार के गांव के 10 चक्कर कटवाई तब एकरा के मालूम पड़। थू मोगा कहीं का, तू तू मुझे नंगा करेगा? एक मर्द होकर एक औरत को नंगा करके अपनी मर्दानगी का सबूत देना चाहता है क्यों? क्या तू भूल गया कि तुझे जन्म देने वाली माँ भी एक औरत है जिसके अस्तित्व से तेरा ये वजूद है? अरे क्या तू ये भी भूल गया कि तेरे कलाई में राखी बांधने वाली बहन भी एक औरत है? तुझे शायद औरत के ताकत का अंदाजा नहीं जो वक्त आने पर रणचंडी का भी रूप धारण कर सकती है। तू हमरा पे हाथ उठा लू, हमरा पे अब एक अंजाम देख तू। ए पंडित छोड़ लड़की के, छोड़ छोड़ बे की ना। जगन्नाथ भोलेनाथ, वो अनाथ कैसे होई? विराजमान हर हर महादेव, नमः कुंकुम मंत्र वक्रेति वदुमि अनंत सिंदूर स्फुरत्व गुंतरीय मेदुरे मनोमिहो मद्भुतं विकल्प भूत हरि। बादशाह खान चुप तो नहीं बैठी? जौन तीर कमान से निकल गई बा, उ कौन तूफान खड़ा करके वापस आई ई केहू नहीं खे जानत। हम तो कहत रहनी कि बीच में पड़ले के कौन जोत रहे, जबकि वहां तो हर आदमी गांधी जी के बानर बनल रहे। कार्य गोपाल, हम चुपचाप ना रहनी हो जा, हम सब कुछ देख के गांधी जी के बानर जैसा अनजान ना बनले रहनी। अब हमरे आंख के सामने जब वो लड़की के नंगा करे लगल तो हम का करती, मौका बन जाती का? अगर तू लगन के नजर में हम गलती करनी तो ठीक बा, चला चुपचाप खा ला, जौन होई देखल जाए, चला खा। क्या हो सकेला, क्या हो सकेला?
ताकत हो लोग आ गए लफड़ा में सामान लिया जल्दी सचेत रहा रे खोलो तुम पहले ही थलिया उठा लेते नहीं कुछ कोई तो ना कुछ भी हो सकेला चलो देखिए लोग कुछ भी हुई था अच्छा चल खोल हम चलते नहीं खोल दे ना खोल नमस्ते नमस्ते हम अंदर आ जाएं हम आपकी शुक्रिया अदा करें आयल रहनी मैं शुक्रिया के कोनो बात नहीं के शुक्रिया के जरूरत बा अगर आज आप वहां ना रहते तो सब भोलेनाथ का माया है शुक्रिया अदा हो गए होके ना तो कृपा करके यहां से प्रस्थान करी शिवानी जी हम लोग पहले से ही बड़ी परेशान बानी मेहरबानी करके यहां से चल जाएं हे कृष्णा घर आल मेहमान से बात करेगा ये कौन तरीका बा माफ करी हां लागत बा हम गलत समय पर आ गए हैं नहीं गलत जगह पर शिवानी जी बुरा मत मानो आपके वजह से रवि जाके बादशाह खान के आदमी के पीट टेलस जेके प्रतिक्रिया कुछ भी हो सकेला यही से हमार दोस्त रवि की चाहत में आपके अपराधी समझता अगर ऐसा बात बा तो हम आप सबसे माफी मांगता नहीं वैसे ई गांव में हमके एक ही आदमी मर्द लोकल हा जेकरे अंदर बादशाह खान के खौफ नहीं के वो खड़ा हो सकेला ओकरे खिलाफ तहार ख्याल गलत बा शिवानी बादशाह खान से ना तो हम टकरा सके नहीं ना ही एकर जरूरत समझे काहे काओ कर अत्याचार नहीं के लोकत होके का तो नहीं के जानत कि पूरा जवार में हर अपराध ओकरे इशारे पर होला हर अपराधी के सर पर ओकरा हाथ बा हमरा के उससे कोनो मतलब नहीं है अगर तोरे अंदर बादशाह खान के इतना खौफ बा तो काहे उसे दुश्मनी मोल लेके हमके बचौला काहे कि तू एक औरत बाड़ू और रवि पंडित अपने आंख के सामने केहू औरत के इज्जत लुकल नहीं देख सकेगा चाहे साक्षात जमराज हमारे सामने कहे ना आ जाए और एक राय दी तारा क्या कोई गांव छोड़कर दूर चल जा बहुत न्यूज मिली तारा के कोनो नेता के जुकाम भैले कर न्यूज ब्रेकिंग न्यूज बनावल तू लोगन खातिर कौन बड़ बात बा आप हमारे साथ दी या ना दी हम ए हत्या के तह तक जाके रह गांव वाले भी भले हमारे साथ न दे लेकिन हम पीछे ना ही हटब हमके पूरा भरोसा बाकी हमके एक ना एक दिन खान के खिलाफ सबूत मिली हाँ एक बात और वो लाश हमरी खातिर सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी हमार मामी रह ली हम खान के ना ही छोड़ा नमस्ते We'll be right back.
हमसे लड़के जीती थाले बनानी, तनिका देखा वे हम रखते पहलवानी। के हमसे लड़के जीती थाले बनानी, तनिका देखा वे हम रखते पहलवानी। तनिका देखा वे हम रखते पहलवानी, बढ़ के हाथ हमरा से आई के मिला ले। के होके पहलवान हमसे जोड़ी शाबाश अशरफ, शाबाश। आज तू लोग हमके खुश कर देला। माफ कर दे खान भाई, गलती हो गई हमनी से। नहीं, ये मैं माफी के कौन बात बा। शायद तू लोग बादशाह खान के पहला आदमी हुआ जे पिटा के आयल बा। ई तो रिकॉर्ड बन गई। खान भाई, गलती हो गई हमनी से। तो ठीक बा, माफी चाहिए तो जा। एक हाथ में पंडित के टेटवा दबा के और दूसरे हाथ में प्रेस वाली को नंगा करके घसीटते हुए यहाँ लावा। राधा स्वामी खान भाई, लफड़ा बढ़ जाए, शांत रहे खान भाई, शांत। तो लफड़ा बढ़े दे नेताजी। वैसे भी जहाँ बादशाह खान के नाम जुड़ जाए वहाँ लफड़ा बढ़े के चाहिए। वो बात नहीं खे खान भाई, वो बात नहीं खे। मामला लड़की के बाद ऊपर से प्रेस वाली, इनका छेड़ल मधु के छत्ता में हाथ डालल जैसन बा। हाँ खान भाई, शेर सिंह ठीक बोल रहा है। ना एसबी ना, अगर हम कुछ ना कहली तो काल ऐसन घटना फिर दोहराल जाए। बिल्कुल नहीं, वो पंडित के सजा जरूर मिले चाहे कुछ भी हो जाए। मगर खान भाई, होकर दूसर तरीका भी बा। परसों ब्लॉक पर कबड्डी मैच बाटे और वो पंडित दिलीपपुर टीम के कप्तान हुए। अगर सुल्तानगंज टीम आपन तीन चार पहलवान भी डाल दे हिलचल, तो खेल खेल में वो पंडित के हाथ गोट। शाबाश जयचंद, शाबाश। ए रुका 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 रुका, रुक जा रुक जा। तारा से एक बात कही थी। खराब का बात? कल के कबड्डी मैच में तू मत खेला। कैसे बात कर रहा था तारा के? मालूम बा ना हम दिलीपुर टीम का कप्तान है। हाँ मालूम बा, फिर भी हमार बस एक कहल मान ला। लेकिन कुछ कारण तो होके के चाहिए। का बताई, बस ये समझ ला के हमारा दिल कहता। तारा कहले से हम अपन गांव के इज्जत दाव पे ना लगा सके नी। याद रखी, हर साल की तरह इस साल भी कप अमिनिया का होके के चाहिए। चिंता ना कर रवे, दिलीपुर का होके के चाहिए। नजर गेत के और फुर्ती चिता के, तैयार हो जा। हर हर महादेव। Come on, 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 come on
ए गल रे गल, ए गल पकड़ 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 मार कौन से मार रहे मार के दबा दिया जा। बात जवान बात शेर लिया लिया पकड़ के लिया 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 सदर जी गली रे। चंदा ई बतावा पंडित के घर में मेहतारी बाप क्यों नहीं बाका? रवि भैया और उनके चारों दोस्त अनाथ हो हुए, शास्त्री जी ही उनके पाल पोस के बड़ा कहले, परु पूरे गांव के सुख दुख में एक टांग पर खड़ा रह लेन, पूरा गांव उनके आपन बेटा ही समझेला। बहुत बड़ा दिल है उनकर। तो दिल में घुसले के रास्ता खोजत आड़ू। लेकिन कोनो फायदा ना हुई। धात बड़बड़ मत कर। लेकिन हमके तो प्यार के आग लौकता। खैर छोड़ा, आपन दिल की बात तो तू पूछ ले लू, और कुछ पूछे के हुई तो उनसे मिल के पूछ लिया। मधुमास्त बाटे मास्त
प्यार कैली हमका बताए कितना तो हर दीवाने भले होठवा के रस तो पीला होठवा के रस तो पीला जियराना हमर साला बरका बरस रहबा कहा छोड़ के तू जाला बरखा बरस रहबा कहा छोड़ के तू जाला बहिया में हम के लेला अखिया में अखिया डाला बहिया में हम के लेला अखिया में अखिया डाला बरखा बरस रहबा कहा छोड़ के तू जाला बरखा बरस रहबा कहा छोड़ के तू जाला बरखा बरस रहबा कहा छोड़ के तू जाला। रवि भैया प्रधान जी कहते रहले कि गुरु जी आवत बाड़े गुरु जी हमारे भाई बाबू हमारे सर्वे सेवा बाड़े हम सब बात में अरे चल रे चल तरह की कितना फटाफट खोला फटाफट सच कहता नहीं यार हम बहुत खुश है आज गुरु जी से बात करके चल बड़ा निक लागले चल चल अंदर चल चल जल्दी से अरे कितना गंदा हो गई बारे तो घर बहुत गंदा हो गया था गुरु जी आवत है नहीं तो सब कमाल खींच रहे सुनील तू इजाजत खींची हाँ हाँ हो तो कुछ नहीं करे ऐसे कर तू भैया भौजी के कमरे में चल जा हाँ तू यार रात तू हमारे साथ हम शास्त्री जी के कमरे में चला अरे जल्दी सफाई करा साफ सफाई हो गई क्या एकदम अच्छे से साफ सफाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा रवि हाँ सब हो गई ये फोटो कहाँ लगाई भैया के बाद अरे वाह अविनाश भैया इनके मिलके बड़ा खुशी हो अच्छा भैया के कमरे में लगा हाँ। एकदम सामने लगा ढुकते लगे शास्त्री जी बड़ा खुशी है ठीक बा अच्छा जा रहे तो आंगन वंगन में पानी से सफाई कर दे तुलसी मैया के भी पानी देखे खत्म न होके हौसला हिम्मत सितम से हरदम लड़त चली खत्म न होके हौसला हिम्मत सितम से हरदम लड़त चली हे भगवान दी आशीर्वाद करम के रहिया बढ़त चली ओ, दिल न केहू के हमने दुखाई सबके सुख पहुँचाई जा हर के रूके प्यारा बनी जा प्यार के गीत सुनाई जा ओ, दिल न के रूके हमने दुखाई सबके सुख पहुँचाई जा हर के रूके प्यारा बनी जा प्यार के गीत सुनाई जा एगो मिसाल बनी जा हमनी नित नव कीर्ति गढ़त चली एगो मिसाल बनी जा हमनी नित नव कीर्ति गढ़त चली हे भगवान दिया आशीर्वाद
करम के रहिया बढ़त चली। गावा ना गेल रवि, गावा ना सुनी के बड़ा बजावा रवि। हां हां बजावा बजावा, हां हां बजावा, बहुत अच्छा लगत बा। ज्ञान दैत ना हमके भगवन, राह गलत ना जाई हम। इतना बल की दुनिया में सगर बलि कहे लाई हम। ज्ञान दैत ना हमके भगवन, राह गलत ना जाई हम। इतना बलिदान की दुनिया में सगर बलि कहे लाई हम। ज्ञान के अखिया से सब कर हम, दिल के मटिया पड़त चली। ज्ञान के अखिया से सब कर हम, दिल के मटिया पड़त चली। हे भगवान दिया आशीर्वाद, करम के रहिया बढ़त चली। कहाँ बाड़न तुहार गुरु जी? बस आवते हुई है। एक बात कहें शिवानी, गुरु जी से मिलके तो के बहुत खुशी हुई, एकदम भगवान जैसे इंसान बाड़न। अच्छा हाँ। गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, अरे चलो सर, चलो सर, चलो चलो उतरा जा, दिलेपुर आ गए। गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, प्रणाम गुरुजी, गोल लागत नहीं गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। शिवारी बाड़िन सहारा समय की संवाददाता बनारस से ले हैं अपने गांव रिपोर्टिंग खातिर आल बाड़िन। प्रणाम करा गुरुजी, खुश रहा। गुरुजी सब कैसे और कहाँ हो गई? हाँ गुरुजी, बताई ना। अविनाश भैया सिर्फ आपके बेटा ना, हमार भाई भी रहलन गुरुजी। हाँ गुरुजी, हमनी के हमार भैया के बारे में बताई ना गुरुजी। चला बाबा। गुरुजी गलती से अगर हम इन लोगन को कोनो बात बुरी लग गई तो कृपा क्षमा करी। गुरुजी आपके बारे में सोच के हम इन लोगन में ऊर्जा का संचार होला, एगो शक्ति का संचार होला। इतरा आपके टूटल देख के गुरुजी हम सब लोग टूट जाए। सरपंच जी और गांव के लोग, आज से 15 बरिस पहले ही गांव में हम एक आदर्श गुरुकुल खोले के सपना देख ले रहे हैं। बाकी कुछ पारिवारिक परिस्थिति और समस्या के चलते इस अपना हमरा के अधूरा छोड़ के बंबई चल जाए के पड़ल। आज के नौजवान पढ़ लिख के चाहला एक नौकरी, बाकी नौकरी बा कहां, जकरा चलते ओकरा जिंदगी में भर जाला निराशा, कुंठा और हताशा। ओकर कदम गलत रास्ते पर चल निकलेला, जकरा चलते
परिवार के साथ साथ पूरा समाज त्रस्त हो जाला और उन नौजवान के जिंदगी के अंत बहुत भयानक होला। बहुत भयानक। ये तो बहुत बढ़िया विचार बा। आप हमने से का चाहता नहीं? कुछ ना, आप लोगों के सहयोग। हम सबके पूरा सहयोग बा। आप कहे तो हम पंचायत के जमीन दिलाई दें। नहीं, हमके कुछ न चाहिए। हमके आप लोगों से कुछ न चाहिए। हम गुरुकुल उहे बनाई जहां 15 बरिस पहले हम सपना देखले रही। केहू बा भाई? का रे एजा काहे खातिर आइल बड़े? हमार नाम बलवंत शास्त्री है। त का करी हम? करी का हम? देखा, ई जमीन हमार है, तू लोग एजा का कर रहल बड़ा? हम यहाँ गुरुकुल खोलल चाहता नहीं। ई गुरुकुल का होला रे धर्मो? भैया हम तो देसी में नूरी, अंग्रेजी में मैकडॉनल्ड जानेला। देखो बड़ू, ई खान भाई के जमीन है। खान भाई? ई जमीन पे खान भाई दारू के फैक्ट्री खोलल चाहत बड़न। अब चुपचाप पैसा से खिसक ल, फिर तार उम्र के लिहाज कर लेनी का भैया? ये हमार जमीन है, तू लोग जबरदस्ती कर रहा बाड़ा, ये ठीक बात नहीं है। तू ऐसे ना मन में हट। जा जा बुढ़ऊ, सस्ते में निपट गई ला, जमीन के बुला जाइया। गुरुजी चोट? अरे कुछ नहीं, ऊपर फिसल के गिर गई नी, उहे तनी लाग गई ला। ए चिंटू। हाँ दादाजी। अरे चाचा लोग के परेशान तो नहीं करत हुआ? नहीं दादाजी, चाचा लोग के साथ में नहाने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, अच्छा गुरुजी, वो जे गुरुकुल खातिर जमीन देखे गए ला, वो देख ले ला का? हाँ बैठ। कहाँ बा गुरुजी? उत्तर के तरफ पुरनका बरगद के पेड़ के बगल में। उत्तर की तरफ पुरनका बरगद के पेड़ के? ओजा तो बादशाह खान के बोर्ड लागे रहे दारू के कारखाना के। कारे ये उहे जमीन बा का रे? हाँ वही बा, वही बा। हाँ हाँ, जमीन पर बादशाह खान के पंजा बा। हाँ उहे। गुरुजी चिंटू के ले जा। साच के ही अब ये चोट गिरला से लागल बा का? छोट में बड़ी बात गुरुजी। गुरुजी सौसा जवान में बहुत बढ़िया बढ़िया को जमीन बा। गुरुकुल बनाए का सपना ई वाली जमीन पर छोड़ दी और कतो और बनाल जाए गुरुजी, बहुत ठीक रही गुरुजी। ओ का है? खान बहुत खतरनाक आदमी है गुरुजी। एकर मतलब कि हम खान के डर से गुरुकुल बनावल छोड़ दी? अरे जौना गुरुकुल के बुनियाद डर के नींव पर होई, वहां शिक्षा का दिहल जाए गुरुजी? लेकिन सुना, बापू कहले रहन कि कौनो उपदेश देवे के पहले ही सोच ला कि ओपर तू खुद अमल कर, समझ ला? बाबूजी खाना तैयार बा। अच्छा या जा, तू लोग खाना खा ला। बाबूजी, बाबूजी ये देखो, हम तोरे खाते खाना ले आए बानी। ली 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 खान ली ली। अरे चंदा कहाँ हो गई? अरे रोते रहो मुरली। हाँ हमारे बाबूजी, बाबूजी का बहुत ठीक ना होइएगा। हम उनकी खातिर खाना ले आए रहे और वो देखो वहाँ सब गिरा दे ला। ये सब का ऊपर वाले का खेल है चंदा, वो जैसे चाहिए वैसे ही होई। अरे पगली घबरात काहे मत। बाबूजी, 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 पानी पी बाबूजी, घर जा, चंदा, ए चंदा, बस चंदा, सब ठीक हो जाए बाबूजी, चंदा, परेशान मत हो कर चंदा, चंदा,
श्रीवास्तव जी, हम दिलीपुर गांव से आए हैं जी। हमार नाम बलवंत शास्त्री है। यह हमार जमीन के कागज। बाकी जब हम ओजा अपन जमीन पर गयी तो देखने की बादशाह खान के कब्जा बा। लेकिन ये कैसे हो सकेला? वो जमीन तो हमार है। एक मिनट, ये कैसे हो सकेला? ये देखिए, आज से 15 साल पहले बलवंत शास्त्री 25,000 रुपया खान बादशाह से उधार ले ले रहन। उधार? और अपना जमीन ओकरा नाम गिरवी रख देलन, इस शर्त पे कि ई वो पैसा 1 साल में वापस कर दे। ओकरे बाद 6 महीना के बाद का है कि शास्त्री के मौत हो गई। कहा? और खान भाई ने उस स्टाम्प पेपर बिना पे वो जमीन अपने नाम करवा ले ने। बाकी हम तो जिंदा हैं। हाँ, हम आपकी नहीं बात करत हैं, हम तो बलवंत शास्त्री की बात करत हैं। हाँ हाँ, बलवंत शास्त्री हम ही हैं, आपके सामने सही सलामत। ये देखे हमारे ऑफिस के रिकॉर्ड आपके सामने बा, ई का सबूत बा कि आप बलवंत शास्त्री बानी। एकर मतलब कि हमरा पहले ही साबित करे के पड़ी कि हम यानी बलवंत शास्त्री जिंदा है। बापू, ये सब का होता बापू? आज हमरा जीते जी सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गई, इत अन्याय है बापू। बाकी हम अन्याय के खिलाफ लड़ब। हाँ, सत्य और अहिंसा के हथियार बना के लड़ब। बस बापू आशीर्वाद दी कि हम आपके बनावल मार्ग सत्य और अहिंसा से कभी ना भटकी और ये लड़ाई हम जीत सके बापू। हाँ गुरुजी, हमने के सब मालूम पड़ गई बा। रुआ जे बापू से बात करत रहनी तो हमने सब सुन लेनी चाह। अब तो आप समझ गए ना गुरुजी, बादशाहन का चीज है सत्य अहिंसा। सब किताबी बात बा गुरुजी, वो जमीन के हकीकत बा वो बादशाह खान। हाँ, सही बात है। हमारे ख्याल से तो ये लड़ाई के कोनो मतलब नहीं के। तो लोग सुनला है ना कि बापू के जब ट्रेन से धक्का दे के फेंक दिहल गई रहे तब वो दूसरा दर्जा में ना चढ़लन, अन्याय के खिलाफ खड़ा हो गए। आप सही कहता नहीं गुरु जी, लेकिन अब समय बदल गई बा। रहुआ अगर लड़े के बा तो अपन लड़ाई का तरीका भी बदले के पड़े। बादशाह खान के सामने एक चाटा खेले के बाद अगर दूसर गाल करवा तो गुरु जी वो दूसरों गाल पे चाटा मारती। रवि, ना हम अपन फैसला बदलब और ना ही लड़ाई के तरीका। क्षमा करी गुरु जी, हम पांचों अनाथ बच्चन के पाल पोस के रहुआ बढ़ा के नहीं, हमने लोगों की जिंदगी पर राव अधिकार बा। अगर आपके खातिर हमने के तूफानों से लड़े के पड़ी ना गुरुजी, तो हमने लड़ जाए। गुरुजी, हमने के लड़ाई का तरीका वो रही जौन बादशाह खान समझ सकेला। बापू कहले रहलन कि साधन के साथ साथ साधक के पवित्रता भी जरूरी बा। ठीक कहता नहीं गुरुजी, लेकिन समय के साथ साथ हर चीज बदल जाना गुरुजी। अहिंसा की परिभाषा भी गुरुजी, हम आपसे इतने पूछा का कौनो आदमखोर जानवर के मारब हिंसा का आत्मरक्षा में कैल गई हिंसा हिंसा? जवाब दी गुरुजी, कृपा करें। देखा, ये लड़ाई हम अपना तरीका से लड़ के जीत के बता दे कि ना ही अहिंसा के परिभाषा बदलल बा और ना ही प्रासंगिकता। ये लड़ाई में तुलो के अगर साथ देवे के बा तो हमरा तरीका से लड़े के पड़ी। तू लग अब जा सकेला। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। तो इमें बुराई कहा? शिवानी वो अहिंसा के हथियार बनावल चाहता, पर तू तो खान भाई के जानते वाड़ू। मतलब शिवानी गुरुजी जे हुवन ना वो आज के युग के गांधी हुवन, बहुत भोला, एकदम संत जैसन स्वभाव है उनका। हाँ, उनके सामने खान जैसन राक्षस।
रहे, लेकिन तू लोग उनके साथ बटले बढ़ाना। हाँ वो तो ठीक बा शिवानी, लेकिन गुरुजी ने खिन चाहत, गुरुजी चाहतड़न की हम उनके हिसाब से लड़ाई लड़ी जे हमरा के पसंद नहीं खे। शिवानी हाथ जोड़कर भीख मांगल जाला, हक नहीं, हक तो छीने के पड़ेला। तो हार मतलब है कि तू लोग गुरुजी का साथ ना देवा? अरे हम तो उनके साथ है बानी, लेकिन वह नहीं चाहता, वो चाहतड़न कि हम अहिंसा की लड़ाई लड़े। पंडित तो के इतिहास तो मालूम बा, गांधी जी और उग्र क्रांतिकारियन के बीच मतभेद रहल, लेकिन दोनों लड़त रहे भले अपने अपने तरीके से, ये बात के हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा अब उपदेश मत दा, वो देखा विजय का चला था। लहंगा चोली में निकला नहीं, और लहंगा चोली में निकला नहीं, घर से गोरिया मारल तुझई बुलई कन के हाय नजर से गोरिया, मारल तुझई बुलई कन के हाय नजर से गोरिया। दिल से गुड़िया दिल के मिलाब, आँख से गुड़िया आँख लड़ाब, नहीं ताजू डेट बताबा। चल जाई चाकू छुरी तोहबे ऐसे सुघर बदन बा, बानी दीवाना हम तोहसे प्यार करे के मन बा। गहरी दरिया अखिया मनवा करे लगे में नहाई, तोहसे ब्याह रचा के डोली अपने घर ले आई। मिक से ना प्यार तोहर हमरा, मिक से ना प्यार तोहर हमरा, जिगर से गोरिया मारल तुझई बुलई कन के हाय नजर से गोरिया, मारल तुझई बुलई कन के हाय नजर से गोरिया। रूप के रानी बारो दीवानी, लच लच पतली कमरबा, दीवानन के लिस्ट में गोरी हमरे पहला नंबर बा। हम हो प्यार के रंग दिखा देब चानस देखे तू देख, प्यार से चुम्मा उड़ा के हवा में हमरो लगे फेंको। चलना लट लहरा के ऐसे, चलना लट लहरा के ऐसे, डगर से गोरिया मारल तुझई बुलई कन के हाय नजर से गोरिया, मारल तुझई बुलई कन के हाय नजर से गोरिया। अरे मारल तुझई बुलई कन के हाय नजर से गोरिया, अरे रे रे रे, मारल तुझई बुलई कन के हाय नजर से गोरिया। प्रणाम गुरुजी। खुश रह बेटी, खुश रह। का बात है, कुछ परेशान लागत बानी? हाँ बेटी, आज हम जिंदगी के ऐसन दो राह पर खड़ा बानी कि हमरा समझ में नहीं आवत कि हम कौन रास्ता अपनाएं। हमके बताएं गुरुजी, हो सके हम कुछ सहायता कर सकी? बेटी हम तहसील ऑफिस गए रही, वहाँ हम देखने की रिकॉर्ड में हमार जमीन पर बादशाह खान के कब्जा बा, हमरा के मृत घोषित कर दिल गई बा। आप चिंता न करे गुरुजी, एकर हाल हमरे लगे हो। बलवंत शास्त्री जी, आप जनता और प्रशासन से बादशाह खान के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं बलवंत शास्त्री जनता और प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जमीन पर बादशाह खान ने कब्जा कर रखा है, आज मैं उसको छुड़ाने जाऊंगा, और अगर बादशाह खान ने मुझको रोकने की कोशिश की तो मैं उसका खून कर दूंगा। मोहलत का समय सिर्फ 24 घंटे।
खान भाई आप चिंता ना करें। हम चिंता नहीं के करतानी, सोचतानी। हमरे समझ में नहीं क्या आवत, ये आदमी पगला गेल बा या इकरे पीठ पे केहू के हाथ बा। हाँ। खैर छोटे, कल सवेरे रानी तालाब के पानी सूरज की रोशनी से नहीं, शास्त्री के खून से लाल होके के चाहिए। जी भाई जान। खान भाई, ये मामला में रउआ के हाथ डाले के एकदम जरूरत नहीं। मौत के धमकी देकर तो कानून के अपराधी हो गई। कानून ओकरा से निपट ली। एहे बीच असल मामला का बा वो हो पता चल जाए। ठीक बा, लेकिन जॉन भी होके फटाफट होके के चाहिए। गुरुजी हमरा के लगा था कि बादशाह खान के खिलाफ जो धमकी देनी टीवी पर वो ठीक ना कहनी। तो चिंता मत करा रवि, हमरा कुछ ना होई। ए, पानी आ गया। पानी आ गया, आ गया। पानी आ गया, पानी आ गया। पुलिस। मिस्टर बलवंत शास्त्री बादशाह खान को मौत के धमकी देवे के जुर्म में रउआ के गिरफ्तार करत हई। हाई लॉ ऑर्डर। योर ऑनर, चैनल से पूरी क्लिपिंग्स आने वो अन्य गवाहों और सबूतों के लिए पुलिस को कुछ वक्त चाहिए। पुलिस को यह भी पता करना है कि मिस्टर बलवंत शास्त्री ने यह सब किसके इशारे पर किया। बादशाह खान इस क्षेत्र के सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। हो सकता है इसमें कोई साजिश हो, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा योर ऑनर कि मिस्टर बलवंत शास्त्री को 15 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया जाए। मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल कोई आतंकवादी नहीं है और ना ही कोई गैंगस्टर। पुलिस की जांच बिना रिमांड के भी हो सकती है, और वैसे भी दुनिया को मालूम है कि बादशाह खान जैसे लोगों को शास्त्री जैसे लोगों से नहीं, बल्कि शास्त्री जैसे लोगों को बादशाह खान जैसे लोगों से डरना चाहिए। आप खान साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत, मिस्टर बलवंत शास्त्री के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करती है, साथ ही ये हिदायत भी देती है कि वो पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। थैंक यू योर ऑनर। जज साहब, हम कुछ कहल चाहता नहीं। बोलिए। का हम विश्वास करें कि आप हमरा जमानत दे देले हैं? क्या आपको शक है? यह फैसला मैंने खुद दिया है। नहीं नहीं जज साहब, हमरा कहे के मतलब ये बा कि आप हमरा माने बलवंत शास्त्री के जमानत दे दिले हैं। अब बार बार इस तरह की बातें करके अदालत की तौहीन कर रहे हैं। नहीं जज साहब, अरे तो बस हमारे एगो दरखास्त बा। ये हमार अर्जी है सरकार न्याय करके। 15 साल बाद जब हम बंबई से अपना गांवे वापस आईनी तो जौना अपना जमीन पर हम गुरुकुल बनावे के कोशिश करत रही, हमरा पता चलल उ जमीन पर कोनो बादशाह खान के हक बा, ओकर कब्जा बा, और हम माने बलवंत शास्त्री मर चुकल बानी। हम जब तहसीलदार के ऑफिस में गईनी सरकार, तो हमरा कहल गईल कि पहले तू ही साबित करे कि तू जिंदा हवा, बलवंत शास्त्री जिंदा है। सरकार, वही से हमरा ये सब नाटक करे के पड़ल। आज जब तमाम टीवी चैनल पुलिस के रिकॉर्ड, अदालत के रिकॉर्ड में साबित हो चुकल बा कि हम माने बलवंत शास्त्री जिंदा हैं, बस तो हमरा जमीन पर हमार कब्जा दिलवावल जाओ। सरकार, हमार जमीन पर कब्जा दिलवावल जाओ। तू गुरुजी के जिंदगी में खुशी का रंग भर ले बाड़ू, काल तहार जिंदगी में हम खुशी का रंग भर दे। अरे भांग ना पियला तो का पियला, जिंदगी तोहर बेकार। अरे बिन भंगिया पियले नहीं मस्ती, देला होली त्योहार जगी जी सारा। Hey, 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 hey
यही पागल में शादी के मन कला गुरी हमरे के दुल्हा पसंद कला फागुन में शादी के मन कला गरी हमरे के दुल्हा पसंद कला देखा छावा पीटा मनैया लागी दहेज में ना एक रुपया पानी देखा छावा पीटा मनैया लागी दहेज में ना एक रुपया संगे रहबू मस्ती उठैबू ए सुखवा के गाड़ी सड़क पर भगैबू देखला तू लोग ये लड़ाई हम अहिंसा से कैसे जीत गई नी ये आपके जीतना ही है गुरुजी अब तो आप सिद्ध कहने कि आप ये लड़ाई में बानी ये तो शुरुआत है हाँ बेटा ये शुरुआत तो है बाकी तू काल देखिया कैसे हम पूरा गांव वालन के साथ बादशाह खान के खिलाफ अहिंसा से आवाज उठाई ला वाह गुरुजी गुरुजी हमनी लोग भी साथ चल जाए एक शर्त पर चाहे कौनो परिस्थिति होए हिंसा के रास्ता अख्तियार ना करे के हुई जौन आदेश गुरुजी गुरुजी हम वादा करता नहीं अगर केहू भी हमने लोगन का जान भी ले ली ना तो हमने लोग उफ ना करें हाँ पर अगर
केहू भी हमरे गुरुजी पर एगो हाथ भी उठौलस तो अगर हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दे गुरुजी। इहे त मुसीबत बा बेटा, हम अपना लड़ाई के पवित्रता नष्ट ना होके दिल चाहता नहीं, तू लोग हमरा साथे ना जेबा। लेकिन गुरुजी आप अकेले? बापू भी अकेले निकलल रहन, कारवा तो अपने आप बनत चल गई। हाँ बेटा, लेकर बनारस ऑफिस की तरफ निकल चुकी हूँ। सर एक मिनट। आज के गांधी को मेरा सलाम। काश आज इस महान कार्य में मैं आपका साथ दे पाती, लेकिन गुरुजी हमारा लक्ष्य तो एक ही है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। यस सर, पर काम अधूरा है, इन्फॉर्मेशन देकर तुरंत लौटना पड़ेगा। बादशाह खान, जब तक गांव वाला अकेला रहन तहा दहशत से डरत रहन। शास्त्री, ते या ते सबसे बड़ा बेकू बाड़े या ते बादशाह खान के अभेले ठीक से जानत दिखे। एक एक डोरी जब अलग अलग रहला तो कमजोर रहला, लेकिन जब वही डोरी के एक साथ जोड़ दिहल जाए तो मजबूत रस्सी बन जाला, जेकरा से पागल हाथी भी बांधल जाला। तनी पीछे मुड़ के देखा गांव वालन के एकता। पीछे मुड़कर तो देख। का भइल, होश उड़ गइल?
गुरुजी के चूल्हे इंदा गुरुजी पे आंख भी उठा ले तू लोग ना सारे आंख कोच देव हाथ मार डालो सारे सब लोगन के मारो बेग झापड़ का जरूरत रहे लोग से लड़े के केहू हमरे गुरुजी पे हाथ उठावलस तक का हम कह के छोड़ देती का लेकिन लेकिन ब्राह्मण में सहन शक्ति भी होके के चाहिए गुरुजी परशुराम जी कह ले रहे कि जब बर्दाश्त करेला वो पंडित ना हो सकेला यही से हमरा के जे ठीक लागल हम कह देनी एकर मतलब कि तू लोग हमार बात ना मनबा तू लोग हमरा के बाबूजी ना मानेला ई का कहता नहीं गुरुजी हमनी तो आपके भगवान के समान मानेला शायद आप ही हमनी के आपन ना माने ली गुरुजी तू ऐसा काहे सोचला आज तक आप अविनाश विजय के बारे में कुछ ना बतानी का हमनी को इतना अधिकार नहीं के शायद तू लोग के बात जायज बाकी हम का बतौती चला कि जौन शास्त्री पूरा समाज में अपना विद्या से प्रकाश फैलावेला ओकरे घर में चिराग तले अंधेरा हम कुछ समझ ना पाएंगे गुरुजी अविनाश गैंगवार में मार दिया गए गुरुजी वो गलत रास्ता पर चल गए रहे हर एक दिन हमरा आँखी के सामने दोस्तों आज हर नौजवान सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहता है कि उसको एक नौकरी मिले लेकिन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि उसको एक अच्छा संस्कार भी मिले वो संस्कार जो एक स्वस्थ समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण पेश करे उसके कदम गलत रास्ते पर बाबूजी 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 बचा लीजिए मुझे बाबूजी बाबूजी अविनाश बेटा अविनाश कभी कभी बेटा कभी बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी पैसे का चक्का चौंध ने मुझे अंधा कर दिया था मैं ये भूल गया था अब मौत का रास्ता मौत की तरफ जाता है यही से तो हमने की चाहत कि तू लोग हिंसा के रास्ता अपनावा जी गुरुजी अरे तू ही लोग तो हमर जान हवा जान हवा तू ही लोग के भरोसे तो हम गुरुकुल बनाए और अपना अविनाश के अस्थि वही दिन विसर्जित करा 14 दिन तू लोग के ताकत से हम गुरुकुल बना ले गुरुजी घबरा के कोनो बात नहीं बारोस्ता बादशाह खान अस्सलाम वालेकुम खान भाई वालेकुम अस्सलाम हम कहले रहनी ना रुस्तम तो और बेटी की निकाह में जरूर आई खान भाई अस्सलाम वालेकुम खान भाई जब्बार खान सलीमपुर सलाम वालेकुम की हवे बादशाह खान अरे इनके कौन नहीं जानत बा बाहुबली माफिया हर लफ्ज इनके तारीफ में कम बा तू कौन सा कम भाड़ा तू तो अभी 15 दिन पहले छूट के आई लहुआ कोटा से अच्छा खान भाई एक बात पूछ एक बाप से पूछा आपके तालाब में सचमुच मगरमच्छ बा अरे कबो आके खुद ही देख लिए तालाब में खान भाई आई ओहर चलल जाई आपकी खातिर स्पेशल छपरा से बलेले बानी आई आई छपरा से माई रे माई सही अमीर लगा लगा तवा
माई रे माई खटा पसंग सूते खटा पसंग सूते माने नहीं बातवा माई रे माई अरे माई रे माई सैयमी लगा लकाटवा माई रे माई सैयमी लगा लकाटवा माई रे माई वालेकुम अस्सलाम। भाईजान नमस्कार। सलाम भाईजान, पंडित खेत में आके हमनी के आदमी खूब पिटाई कर ले बा। भाईजान निकाल रहे यहीं से, आपको ना बताई नहीं। गोड़ला का तना जियत रहा जियत रहा। रवि चाचा, आपको मालूम है कल मेरा जन्मदिन है। अच्छा, अरे वाह, अच्छा के लिए बता दिला। अच्छा बता, का चाहिए तरह के तोहफा में? तोहफा दिया या लिया जाता है, बताया नहीं जाता है। अच्छा ठीक बा, हमने के तोरा के साइकिल दिया जाए। कृष्णा जी, गुरु जी, अरे तू जो विधवा पर कहानी लिखत रहला है वो पूरा हो गई? नहीं गुरु जी, अभी थोड़ा बाकी बा। ओ मुरली जी, गुरुजी, हम सोचे थे कि गुरुकुल बनौला पर तू सबके ब्याह कर दे। रवि के तो चिंता नहीं बा, काहे से कि शिवानी बहुत अच्छी लड़की है, अपना बिरादरी के भी है। मुरली के भी जुआड़ हो गई बा गुरुजी। अरे चिंता बात खाली घनश्याम के, इनका खातिर कम खा वाली लड़की खोजे के पड़ी, न तो भूखले मर जाई। ले चला सबन के चौक के, ये सबन के इज्जत के बखिया हम कैसे उदारत हैं? ले चलो सभी के गांव वालों के बीच में। अरे पंडित, जवानी कुछ ज्यादा ही चढ़ गई बा। खान खान, हम माने तनी लोग से गलती भइल बा। नहीं शास्त्री, गलती तो हमसे भइल बा। जइए ई हमरे आदमी पे हाथ उठवले रहे, हम के वही दिन एकर हाथ काट के फेंक दिए चाहत रहे। रवि चाचा को छोड़ दो। ठीक बा बेटा, तोहार रवि चाचा के छोड़ देते हैं। ए खान छोटे जी, भाईजान एकर पतो के लिए आओ। अरे अरे जो नहीं खान, नहीं। अरे भाई
ई लड़ाई हमरे तोरे बीच बाहे के छोड़ दा। हट शास्त्रे, आज हम तोरे पतोह के इज्जत नहीं कर सरेआम लुटा। तब तो के एहसास हुई कि खान भाई का चीज है। ए खान, हट, ए चिल्ला मत पंडित। पंडित बहुत दम है तेरे में अभी भी। हाँ तो हर बोलती बंद कर दे पंडित, बहुत चिल्लात बाड़े पंडित। ई का एंटीना? अरे बाप रे, एकर एंटीना तो खुल गई। मतलब कि एंटीना टूट गई। तू कह तो बांधे ही, बोल 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 पंडित। अभी चुटिया खान, हम तारा खून से धो के बांधब। खान के खून तो का, तो के खान के चमड़ी छुले में भी सात जन्म लागी, सात जन्म। लेकिन हम तोहनी के भाभी के पूरे गांव के दिखाई, नंगा करके दिखाई। एक खान रुक जा, एक खान, एक ए हमरे भौजाई के अपने गंदे हाथ से मत छू। ठीक बा, हमारा हाथ गंदा बा ना, तोहर शास्त्री जी का हाथ तो पवित्र बा। शास्त्री, अब तू खुद अपने पतों से साड़ी उतरवा। नहीं खान, ना तो यहाँ के वो जिंदा ना बची और ना ही एक इज्जत। ना खान, ये हमसे ना हो खान, ये हमसे ना हो तू चाहे हमार जान ले ला। चाप नहीं, नहीं। ए खान, हम तो हर कसूरवार बानी रे, ए तो हमरा के मार रे सारे। ए खान, ए हम तोरा से माफी मांगत आनी रे। ए खान, हमरा के मार। चाप खान, सोच ले शास्त्री, कौन सौदा सस्ता बा, ई या फिर ई। चल शास्त्री, चीर हरण के खेला शुरू कर, कर शुरू। एक हरण, एक अपनी आंखों से देख। आप उठा के देख पंडित, ये खान अपनी करनी देख पंडित। खैर छोड़ रे, ए छोड़ रे हराम। चिल्ला और चिल्ला पंडित, और चिल्ला। ए खान, ए खान, तू छोड़ रे सारे। अब्बा शास्त्री, शाबाश शास्त्री, शाबाश। ए हम करा से माफी मांगा तानी रे। देख पंडित, देख तोरे करने की सजा। अरे मौत तो तू लोगन के आसान रास्ता हो, सुन। वैसे तो तोरे जिए लेके कौन मतलब नहीं खे, अगर मरे की इच्छा होके तो खान भाई के हवेली आ जाई हो। अगर खान भाई खुश हो गई ना तो मौत भी भीख में दे दिया। चलो चला सब, चला सब लेके। Oh, my God.
भौजाई के सखे सखे सामने नंगा ले भौजाई के सबके सबके सामने नंगा को इतने तुरे नंगा कर दिले सबके सामने कौन नंगा कर दिले भौजी के कर दिले भौजी के देखलना बापू, जौन आदमी आपके सत्य और अहिंसा के अपना धर्म मान के जियत रहा, ओकरा बीच बाजार में अपना बहू के चीर हरण खातिर मजबूर कर दिया गया बापू। आज सत्य पर अहिंसा के जीत हो गए बापू, सत्य पर अहिंसा के जीत हो गए। आज सत्य और अहिंसा के परिभाषा बदल गए बापू। आज तो के पूजल जा सकेला बापू, जियल ना जा सके, जियल ना जा सके बापू। वही से आज हम अपना अंदर के बापू के मारल चाहता नहीं है बापू, मारल चाहता नहीं। आज तोरे साथ साथ हम अपना के भी मारल चाहता गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए गुरुजी, गुरुजी दरवाजा खोलिए गुरुजी, 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 रवि, रवि बोला था नहीं गुरुजी, गुरुजी, अरे उठा रे, जल्दी उठा, जल्दी, जल्दी ले रे। अपने बेटा लोग से मिलना चाहता नहीं। जी अच्छा सुनिए, आपको अंदर बुलाया है।
दादाजी। बेटा, हम आज तक तू लोग के गलत समझत रहे, हमरा लगत रहे कि हमरे सिद्धांत सही बा, हम अहिंसा शब्द के पकड़ के बैठल रहे, ओकर मरम ना समझ सकली, ये हमार गलती रहे बेटा। नहीं गुरुजी नहीं, हम पहले भी सही रहे और आज भी। अरे नहीं रे, अरे समय के साथ अहिंसा के परिभाषा भी बदल जाला, ये हमरा मालूम ना रहे। तू ठीक कहत रह रवि, आदमखोर जानवर के मारल हिंसा ना कहल जाला, आत्मरक्षा कहल जाला। गुरुजी सब ठीक हो जाए। अरे आज तक तो हम सत्य और अहिंसा के भ्रम में जियत रहे, हम तो भुला गए नहीं कि महात्मा तो हमरा घर में बा। बेटा आज तक तो तू लोग के हम शिक्षा देगी, बाकी तू लोग तो आज हमरा दीक्षा दे रहल बा। हम हक तो नहीं थे, बाकी का तू लोग से हम गुरु दक्षिणा मांग सकिले। गुरुजी आप जान मांग सके नहीं गुरुजी। अरे ना रे, जान ना, जान ना। बस तू लोग चिंटू और भाभी के ख्याल रखिए। आप निश्चिंत रहें गुरुजी, आप निश्चिंत रहें। बेटा इला चाबी गुरुकुल खाते कुछ पैसा जमा कर ले रहे, तू लोग के काम आए। आज तक तो तू लोग हमरा के गुरुजी कहला। रवि बेटा एक बार बाबूजी कह द, सिर्फ एक बार बाबूजी कह द। बाबूजी एक वादा करो। तू लोग ही लड़ाई के अंजाम तक पहुंचा के रहबा। जी 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 गुरुजी। अपना अपना तरीका से। रवि। हाँ बाबूजी। ए रवि। बोलिए बाबूजी। अरे एक बार गाना सुना दे रे, एक बार गाना सुना दे। खत्म न हो के हौसला हिम्मत, सितम के सीढ़ी चढ़ल चली। खत्म न हो के हौसला हिम्मत, सितम के सीढ़ी चढ़ल चली। हे भगवान दा आशीर्वाद, करम के रहिया बढ़ल चली। हे भगवान दा आशीर्वाद, करम के रहिया बढ़ल चली। जीवन ओ काम क्रोध मद लोभ मोह से हरदम बचर रही भगवन। सत्य के साथ निभाई पल पल जब तक पास रहे जीवन। तिल भर नाही पाओ डिगे हम, काल के सामने अड़ल चली। हे भगवान दाशीर्वाद, करम के रहिया बढ़ल चली।
हे भगवान दाशीर्वाद करम के रहिया बढ़ल चली। बाबूजी बेटा सीता की परिक्रमा कर। बेटा मटकी पीछे गिरा दे, आगे दे बेटा। अभी तो गुरुजी कहानी अधूरा बा, जब पूरा हो जाए गुरुजी तब सबसे पहले हम आप ही के पढ़ाई। बड़ा दुख भइल, आखिर कौन इज्जतदार आदमी इस सब देख के कैसे जिंदा रहित, कैसे दुनिया की नजर का सामना करत। ऊपर वाला इनके जन्नत नसीह करे। के ना हमरा से केहू ना बचा सके। नहीं ये चीता ठंडा पहले से पहला तो हर चीता ना चलाई तो हमारा नाम भाषा नहीं। पंडित के कमजोर मत समझिया, हिम्मत बुझिया कि वो खाली कलम चलावेला। जौन पंडित यहाँ का मंत्र पढ़ेला वो श्राद्धो करवावेला। पंडित अपने शास्त्री का अंजाम देख जो हमसे भिड़ रहे हैं। बादशाह तेरे खानदान के माटी देवे का शुरुआत कर दे पानी। पंडित अब बस सारे तू दिन और घंटा गिन। पंडित तू दिन और घंटा गिन। मुंह धो लेंगे अब हम अपन मुंह उन कुकर के खून से धोई। चिंता मत कर, ओकर इंतजाम हो जाए भाईजान। जा, जा, चला चला सब जने। पंडित जी सब कहा
हो गए शिवानी। गुरुजी हमेशा के लिए चल गई। रवि वादा कर, तू लोगी लड़ाई के अंजाम तक पहुंचेबा और हमार गुलकुल बनावे के सपना जरूर पूरा करिया। हाँ गुरुजी, हम वादा कर दानी, हम गुरुकुल बनाई। निकाल पंडित, काम आ रहे, निकाल काम से मार दे, गोर गोर गोर, चला देखा जा, देखा जा, घर में देखा जा, पूरा सारे के खींच के लेके आवा, पूरा देखा है, क्यों देखा मुझका भाई? बाहर कौन निकले? सब ठीक बा। शिवानी, हाँ, तारा से एको बात कह के रहे। बोला पंडित। देखा शिवानी, ये जंग अब शुरू हो चुकल बा, एकरा में कुछ भी हो सकेला। तहरा के तो मालूम बा कि पाशा खान कितना ताकतवर है। जीत हमेशा सत्य की ही होला पंडित। हमरे कहे का मतलब ही ना रहे शिवानी। देखा शिवानी, तू एक लड़की हो और हम ही ना कहल चाहते नहीं कि तहरा अंदर लड़े का जज्बा नहीं खे, लेकिन कहीं तहरा वजह से हमारी लड़ाई कमजोर ना पड़ जाए, बस यही चिंता बा। काहे हमेशा औरत के ही कमजोर समझल जाला पंडित? झांसी की रानी भी औरत रह लिन, रानी की तरह रह लिन, लेकिन जब वो लड़ाई के मैदान में उतर लिन तो अंग्रेजन के भी दांत खट्टा हो गई। हमरे कहे का ये मतलब ना रहे शिवानी। हम तो हर कमजोरी ना ही ताकत बने पंडित, ताकत। चलो चलो जल्दी अंदर चला, नहीं तो कोई देख ले। चल चल। कहाँ हो गई आज तू? सब हमके ऐसे का देखा ताड़ा? कहाँ गेल रलुआ? बस ऐसे ही थोड़ा बाहर के माहौल पता करेगे। शिवानी, अगर केवो हमरे प्रेम में विश्वासघात के लिए हो तो शायद हम मुकरा के क्षमा भी कर देती, लेकिन जे गुरुजी के लड़ाई में आ गुरुकुल के साथ विश्वासघात कैलेस, ओकर तो हम मुहाल करब की ओकरा के अपन पैदाइश होके पे भी अफसोस होई। लेकिन ई सब तू हमके काहे सुनावता रे? यही से कि तू बादशाह खान के खास आदमी से मिल के आई, चुमा चाटी करत रहलू ओकरे साथ, काहे कब से तार यार बन गेलू? का बतेलू लोगन का हमनी लोगन के बारे में? पंडित चिल्ला मत, आज हम बुझनी कि हमरे मना करे के बावजूद भी तू हमनी लोगन के साथे काहे आइलू। पंडित एकरा आगे कुछ मत बोली हो। चिल्ला मत, सांच बोली तो मर्चा लागल करे तारा के। हां अरे तारा से अच्छा तो कोठे वाली बाई होकेली जे अपने आशिक के धोखा तो ना देली, और तू बाड़ प्यार कहनी तोरा से दिल दे बैठनी तरह के, तू हमरे विश्वास का विश्वासघात कैलू रे। तू लड़की ना, तू छिनार बाड़ू छिनार। खबरदार जो एकरा आगे एक शब्द भी बोलला, सुनल चाहता ना तो सुना। हाँ, हम जयचल से मिलल रहनी ये सही बा, हम उनके बहुत चाहनी ये हो सच बा, लेकिन लेकिन अपने सगे बड़के भैया की चाल बुना है क्या? बोला बोला ना।
हरचंद तो हर भैया। हाँ पंडित, एक ही कोख के पैदाइश है और चेचन भैया। फिर वो बादशाह कहाँ के आदमी? हमरा बाबूजी के पिछले 5 वर्ष से कुछ पता नहीं किया, बस इतना पता चला कि अंतिम बारू खान के साथ लोकल रहने उनकर गुना बस इतना रहे कि वो जोन पागल बाबी को होकर साथ दे ले रहने। बादशाह खान उनकर जीप काट ले ले बा होकर खिलाफ गवाही दे ले के सजा के तौर पर। लोग तो कह ले कि हमारे बाबूजी को रानी के तलाव में तब से भैया खान के साथ रह के सबूत इकट्ठा करे ताड़। पंडित कोनो पेड़ के काटे के खाते होकर जड़ के पास बैठे के पड़ेला जगदीश मामा की भी वही मगरमच्छ के बीच फेंक देलस और मोहन मामा का हाल तो दुनिया देख लेलस। शिवानी हमरा के क्षमा कर दो, हम उजले की तो हमरे लड़ाई की कमजोर। तू सबसे पहला तो ये है गलत समझत रह लकी, हम तो हर लड़ाई में साथ देत रानी, ये अपने चैनल के खाते न्यूज बना होता नहीं। नहीं पंडित नहीं, हम अपन लड़ाई लड़त रहनी अपन। अफसोस तो बस इतना बाकी तो कि अपने प्यार पे भरोसा नहीं के कम से कम एक बार तो पूछ लेते रहता। कबड्डी मैच में तो सबक का होने के बाद भी वही बतावले रहने और आज भी खतरा मोल लेके मुश्ताक खान के बारे में बतावे आयल रहने। हमार मैं खाना बा
सही कहलू रानी, तुहर अंखियों में आके डूब। साले अंजाम बहुत बुरा हुई। सोच लो पंडित, बता हमके ये कहाँ दिया, कहाँ बादशाह, कहाँ भाई जान के पता चल गया मुस्ताक, हमारे भाई एक के लटका दिलस कौन? मुस्ताक हमारे भाई, अरे उतारे के, अरे के हो के उतारे के, अरे उतारा रे सब लोग जल्दी। बादशाह खान, अपने ताकत के घमंड में तू जितना अत्याचार करे के रहा का भैया, हम तो से कहले रहनी कि तेरे खानदान के माटी दहले का शुरुआत कर देल बानी। पंडित प्रधान जी, कबू कबू तो दिल करेला कि हम पंडितन के साथ जाके बेहड़ में उतर जाए। श्याम बेटा, तू का समझा ताड़ा, हमनी के दिल नहीं खे करत। अरे एक गांव तक छोड़, पूरा जवार पंडितन के साथ बा। सही बात है। सलाम प्रधान जी। सलाम जुबेर भाई, आवा और का होता? बस होई का, मगरीब के नमाज पढ़ के आवा तानी, और अल्लाह ताला से ही दुआ कहनी है कि पंडितन के सही सलामत रखें। जुबेर भाई ठीक कहा था, ये लड़ाई पंडितन के आपन लड़ाई नहीं, ये हर मजबूर आदमी के लड़ाई है। अन्याय के खिलाफ न्याय के, झूठ के खिलाफ सच के लड़ाई है। भाई जान, का ये सच हो कि पंडितन के छुपले के जगह पता चल गई बा? दिलावर, तुके का लगा था हमको वो हराम जादन का पता चल जाए और हम चुपचाप बैठे रहे? शब्बीर, छोटे कहाँ जात रहल, का करत रहल, ये केहू के ना ही मालूम रहे, फिर वो पंडितन के कैसे पता चलल? जरूर हमनी के बीच में कौनो गद्दार बा, कौनो ऐसन कुकुर जो हमार डालल हड्डी खाके भी पंडितन के सामने दुम हिलावत बा। वो गद्दार के पता करे खातिर हम एक चाल चल ली है। लेकिन भाई जान, गद्दार के आखिर पकड़ल कैसे जाई? जरूर पता चली और वो पकड़ल भी जाई। बच के ना जा पावे, भाग, आ गई बा, भाग सिवानी भाग।
आग ठीक है चले जा साली चैनल वाली के भाग दीवानी भाग भाग मर साले गद्दार आग के कान गाड़ी से निकल जा लोगन के बाद में देखल जाई आगे बढ़ा बढ़ा जल्दी आगे आज एक भी कुकुर की औलाद बचने ना पाए जल्दी चला और घेर ले सालन के और जल्दी जल्दी रुका रुका कहां चल गई लन साहब यहां तो केहू नहीं खेती खतवा दिलावर शबेर ये पूरा इलाका के घेर ल और उन सबन के ढूंढ के सबके खत्म कर दा ठीक बा भाईजान जावा जल्दी जावा चला होनी के केहू ने टाल से कलर अभी अब तो गोपाल की लाश लाबे के पड़ी
ताकि ओकर अंतिम संस्कार कई जा सके। और जयचंद भैया बादशाह खान के इलाका है, वहां गेले पे जान के खतरा हो सकेला। शिवानी ना, हम जयचंद भैया के लाश लावारिस ना छोड़ा, हम वहां जाए पंडित, हमारे भैया का भी अंतिम संस्कार हुई। शिवानी शिवानी समझे की कोशिश करा। ना पंडित ना, हम वहां जाए, हम वहां जरूर जाए। शिवानी शिवानी हमार बात सुना। शिवानी शिवानी रुका, शिवानी शिवानी देखा खतरा बा। शिवानी शिवानी हमार बात सुना, देखा शिवानी 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 दिलावर भाई के अंदाजा सही रहे, लेकिन पंडितवा कुल नहीं खेल औकत। रुका आवेदा जेकर नाथ बोले नाथ वो अनाथ कैसे हुई।
एक कहे का मतलब है कि बादशाह खान के दारू के कारखाना का काम शुरू हो गया। अरे राज, अरे रतिया में सिमटिया मिला के ले आओ हो। अरे लावत है भाई, जल्दी जल्दी काम करा। अरे हथवा के जंग लगे बाका। अरे आवा आवा किशोरी लाल। सलाम, का समाचार बा किशोरी? हम तो है ई खबर देवे आयल बानी का कि पंडित का एगो साथी मारल गई है। अच्छा, तनी होशियार रही है, वो लोग बदला जरूर ली है। किशोरी लाल, हम तो यह दुआ करत हैं कि वो सरो लोग यहाँ आ जाएं। अरे फैक्ट्री के बुनियाद में जिंदा गाड़ दे, दफन कर दे, कबर बना दे वो सरो लोगन के। बुझला किशोरी? अब तू जा किशोरी। एक मिनट किशोरी, पंडितन पर नजर रखी है। निश्चिंत रह शबीर भाई, नजर रखब। अरे सौंसे गांव के गद्दार। बादशाह खान आपका हुई। तू ऐसा करा, पीछे के रास्ता से निकल जा, हम यहाँ बादशाह खान के फंसा के रखब। पगला गिल भड़का, हम तू लोगन के छोड़ के ना जाए। जी अब तक साथ जेल जाए, मर अब तक साथ मर जाए। रवि, कृष्णा से महत्वपूर्ण बा गुरु जी के सपना, और इस सपना तुमके पूरा करे के बा रवि। लेकिन रवि, ये जान गुरुजी के बा, गुरुजी के अमानत बा, गुरुजी के, और ये आज उन्हीं के काम आवता। तोहके गुरुजी के कसम, तोहके गुरुकुल के कसम। निकल जा रवि, निकल जा, जा रवि जा। तो अपन ख्याल रखिया, तो अपन ख्याल रखिया कृष्ण। जा रवि जा, रवि निकल जा, रवि हम यहाँ बादशाह खान के देख ले। जा रवि जा। पंडित शब्बीर, मेरा भाई शबीर, बंदे चल निकल रे, हटा, कहा भागत बारे रे, रुक। बादशाह खान पूरा हो गई। कुरुची बाय चिंटू।
का भेल चिंटू? बहुत बुरा सपना था दीदी, कृष्णा चाचा की बहुत याद आ रही है, ले चलो ना हमको उनके पास। ठीक बा चिंटू, हम ले चलो, पर अभी तो सोचो। देखा चिंटू, हम अपन वादा पूरा करत हैं। हम तो के मामा से मिलवाए ले जात हैं। हाँ हाँ। आप तो वापस आकर चंद्रा दीदी को परेशान ना करवाना। ठीक है, अब नहीं करूंगा। चलो 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 चला, जल्दी भाग के चला। दीदी दीदी रामजादी, तू पंडितन के हथियार बना के हमरे दोनों शेर जैसे भाइयों को मरवा दे लू? तू का सोच ले रहे लू कि जयचंद के दिमाग बना के बादशाह खान के साम्राज्य के चार जयबू रिपोर्टर हम तोहर ऐसा असर करब के पंडितन के भी सोचे के पड़ी के तोहर क्रियाक्रम कैसे करी। चल चिंटू, चिंटू तू फिक्र ना मत करी चिंटू, हम बानी ना, हम तो के कुछ ना हुए देव चिंटू, तो के कुछ ना हुए देव। ए प्रेस रिपोर्टर, शास्त्री के अंतिम चिराग तोहरे बर्दाश्त करे के हद तक जली, अगर तू गिरलू तो ये लो हमेशा के लिए भुज जाई और यही के साथ ई ऊपर चल जाई। ये देख ले गांव वालन, गौर से देखा है के वो पंडित जे चूहा बनकर अपने बिल में छुपल बा अपने गुरुजी के पोता के बचावे खातिर जरूर आई, और फिर ये चूहा बिल्ली का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दे। लावर जरूर आई। के चले लस गोली? कहां से आई गोली? क्या कहते हैं मोटरसाइकिल का आवाज पंडितन का है, यहां से आवाज है, यहां से। ए पोजीशन लो, ठोक दे सालन के, पोजीशन लो, आवाज दे, आवाज दे, तैयार रहा, तैयार रहा। ये तो पकड़ा है। Ah!
शिवानी, ए शिवानी, तू ठीक बड़ी है। तारा के कुछ के खुशी एला बंदूक पकड़ा हम आवा नहीं कमीने, तू हमारे बाबूजी की जबान काट ले, कुत्ते अच्छा चलू तू हमर जान बचलू क्यों बादशाह पर गोली ना चलाई जेकर नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे हुई करे बादशाह तारा के अपने पहलवानी पर बहुत घमंड बना रे आज तहारी घमंड हम दूर करब तोरे बेकूफी पे हंसा तेरे पागल जाना तारे जब गीदड़ का मौत आवेला तो वह शेर की ओर भागेला जब तोरे जैसे कुकुर की मौत आवेला वो बादशाह खान के अखाड़ा में आवेला बादशाह साले तोहर माटी ने चटाई की लगा रे ताकत मौका ताकत अरे सारे कुकुर की हालत Yeah.
अनाथ कैसे हो गए पाशा? वो अनाथ कैसे? नहीं रे। हट। हट। उठ पाशा। ए शिवानी। ठोक। खान। तू हमरे हाथ से मरबे। कई साल से जौन आग हमरा दिल में ज्वालामुखी बनकर दहकत रहल। आज आज तो के भस्म करके तू शांत होई खान। ठोक सारे के। तो से वादा किए रहे कि तोहरे पूरे खानदान की माटी थे, लेकिन तोके माटी नसीब ना होई। तू अपने मगरमच्छ के भोजन बनबे रे। चल सारे। चल। चुटिया बादशाह तहरा खून से धोके बांधा। Well,